मेंटल फिटनेस। तो मेरा नाम है वृंदा और मैं आज बात करूंगी मेंटल फिटनेस के बारे में। फिजिकल फिटनेस का सबने सुना है, तो मेंटल फिटनेस क्या है? सो वी हर्ड बॉडी एंड माइंड, सो मे बी इट्स न्यू फॉर यू टू हियर कि बॉडी और माइंड दो सेपरेट एंटिटीज नहीं है। बॉडी इज जस्ट अ कंसोलिडेटेड माइंड। आपका जो माइंड है वो सूक्ष्म है, उसी का स्थूल वर्जन इज द बॉडी। सो इंडिया में तो ये प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज आवर फाउंडेशन शुड बी योग, एटलीस्ट इन दिस कंट्री जहाँ जो योग की भूमि है। वॉट वी आर गोइंग टू डू विद मेंटल फिटनेस इज आपके थॉट्स और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, राइट? और सिंपल चीज, हम स्ट्रेस की बात करते तो आपको स्ट्रेस होता किस चीज का? हेल्थ इशू है या तो उसका स्ट्रेस होगा। मनी, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल नाउ, मनी द बिग एम। तो मनी, रिलेशनशिप्स, करियर, और कुछ पांचवा कारण ही नहीं है स्ट्रेस का। थिंक अबाउट जस्ट फाइव थिंग्स एंड लोगों की दुनिया बर्बाद हो रही है। अगर आपको ये डायमेंशन में कुछ भी क्रिएट करना हो, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, कुछ भी हो, तो आपको ये क्रिएशन के डायनामिक्स तो समझ आने चाहिए, बेसिक चीज कि बनी किससे है, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड मेड ऑफ। कैन समबडी टेल मी मैटर? मैटर क्या है? बेसिक हमने फिजिक्स में पढ़ा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मैटर के तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये फिजिक्स हमने पढ़ी है। वाओ, यू कंप्लीटली आउटडेटेड। तो दिस फिजिक्स इज ऑफ 16th सेंचुरी, ओके? क्योंकि अभी की जो फिजिक्स है, इट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, ओके? क्वांटम मींस फिजिक्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, फिजिक्स ऑफ एटम्स, ओके? वन स्टेप एट अ टाइम। सो एटम्स आर 99.9999999% एम्प्टी स्पेस। Only thing they found in an atom, atom में उन्हें सिर्फ energy मिली है, and primarily electrical and magnetic energy. Okay, so ये understanding बहुत जरूरी है कि every single thing around you is electrical and magnetic energy, and it is not solid. Only जब आपको understanding है, it's not that solid. It can change. Anything can happen. Only then it becomes